हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। सो आज फाइनली मैं आप लोगों के साथ मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो जो है अपने हाउस टूर की वो शेयर करने जा रही हूँ। और मैंने जब से ये चैनल बनाया था तब से ही मुझे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट जो थी ना वो होम टूर की आ रही थी। तो घर के अंदर का जो टूर है वो मैं आप लोगों को डिटेल से कराऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना अपना बाहर का यार्ड भी दिखाती चलूँ, क्योंकि ये भी घर के टूर का एक अहम पार्ट है। और मुझे शुरू से ही ना बड़े यार्ड्स बहुत पसंद थे। और घर बाय करने से पहले हमने पहले से ही सोचा था कि हम जब कभी भी ना घर बाय करेंगे तो उसका यार्ड जो है वो बड़ा होना चाहिए। और हमारा घर जो है चूंकि ये कॉर्नर में है, तो जिसकी वजह से ना हमारे दो ड्राइवेज हैं और घर के चारों तरफ जो है वो यार्ड है और बीच में जो है हमारा घर है। गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है पूरी फैमिली का एक साथ बाहर बैठकर चाय कॉफ़ी वगैरह एंजॉय करना। और उसके अलावा ना मेरे हस्बैंड को और मुझे गार्डनिंग का भी बहुत शौक़ है, तो हमने काफ़ी सारे जो है फ्रूट ट्रीज़ भी इसमें लगाए हुए हैं, जैसे एप्पल, पीच और प्लम वगैरह। और उसके अलावा भी ना हमने काफ़ी सारे ट्रीज़ और भी जो है घर बाय करने के बाद लगाए हैं। और ये जो व्हील बैरो प्लांटनर आप लोग देख रहे हैं ये मेरे हस्बैंड ने खुद ही DIY किया हुआ है। तो बनने के बाद हमने इसको इस तरह कॉर्नर में रख दिया, और स्प्रिंग में जब इसमें फूल लगते हैं तो फिर बहुत ही खूबसूरत लगता है। सो ये सारा जो अभी आप लोग देख रहे हैं ये हमारा फ्रंट यार्ड है, और फिर इसी तरह हमारा बैक यार्ड भी है। और अभी अम्मी जो है ना वो बाहर बैठकर वेदर एंजॉय कर रही हैं। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को अंदर लेके जाती हूँ और डिटेल से अपना होम टूर जो है वो देती हूँ। जैसे ही हम घर में इंटर होते हैं तो ये लेफ़्ट साइड पे क्लॉजिट है जिसमें हमारे सारे शूज़ और जैकेट्स हैं। और फिर घर की एंट्रेंस में ही ना मैंने कंसोल टेबल रखी हुई है, और मुझे शुरू से ही अच्छा लगता है कि घर की एंट्रेंस में कंसोल टेबल हो। और इसके ऊपर जो है मैंने कुछ डेकोरेशन भी रखी हुई है, और ये इसके साथ जो है मैचिंग मिरर जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो इस मिरर के साथ ना इस पूरे टेबल की ना एक विंटेज सी लुक आ रही है। और ये जो ग्लास बॉटल्स के अराउंड आप लोग गार्लैंड सा देख रहे हैं ये मैंने खुद ही DIY किया हुआ है। ये मेरे पास कुछ वुडन बीड्स थे तो इसको मैंने ऐसे जूट में परो के गार्लैंड सा बना लिया था, और फिर इस तरह ग्लास बॉटल्स के अराउंड लपेट लिया था। सो इस टेबल को मैंने कुछ ऐसे डेकोरेट किया हुआ है कि एक साइड पर जो है मैंने वुडन ट्रे में कुछ ग्लास बॉटल्स रख दिए हैं, और दूसरी साइड पर मैंने ये कैंडल स्टैंड रख दिया है। और फिर इस तरह इस टेबल के नीचे भी कुछ स्पेस थी तो यहाँ पर भी मैंने कुछ डेकोरेशन रख दिया है। तो इस तरह इस पूरे टेबल की लुक कुछ इस तरह से आ रही है। और इसके साथ वाली वॉल पे ना जो है मैंने फैमिली के कुछ फ़ोटोज़ लगाए हैं। एक्चुअली में ना ये मेरे दोनों बेटों की हाई स्कूल ग्रेजुएशन की पिक्चर्स हैं, तो फिर मैंने इसे फ्रेम करके यहाँ लगा दिए। और यहाँ से ना आप लोग मेरे पूरे लिविंग एरिया के व्यू को भी देख सकते हैं। हमें चूंकि घर में कलरफुल चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो इसलिए मेरे घर में आप लोगों को मोर न्यूट्रल कलर्स ही मिलेंगे, जैसे ग्रे, वाइट, ब्राउन, ब्लैक। और इसी तरह जो मेरा फर्नीचर है ना वो भी ज़्यादातर इसी कलर का है। और हमारी फैमिली का मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है वो भी हम यहीं पे स्पेंड करते हैं लिविंग एरिया में। तो यही वो जगह है जहाँ पर हम पूरी फैमिली एक साथ बैठते हैं, टीवी देखते हैं, गपशप लगाते हैं, इकट्ठे यहीं पे खाना खाते हैं। सो फैमिली रूम के साथ ही एक तरफ जो है डाइनिंग है, और साथ ही में दूसरी तरफ किचन है जहाँ पर मैं अपनी मोस्ट ऑफ़ द वीडियोज़ जो है शूट करती हूँ। और आप लोगों ने मेरा किचन बहुत सी वीडियोज़ में देखा भी होगा, और अभी एंड में ना मैं आप लोगों को उसका भी टूर देती हूँ। और मुझसे ना आप में से बहुत से लोग ये भी पूछ रहे थे कि आपने अपने फर्नीचर जो है वो कहाँ से बाय किया है। तो जी, हमने अपना तकरीबन सारा फर्नीचर जो है वो एशली फर्नीचर स्टोर, जो कि यहाँ का एक फेमस स्टोर है, वहाँ से लिया है। और इनके फर्नीचर्स के जो डिज़ाइन के साथ साथ ना इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। और अभी जो सामने आप लोग वाइट टेबल देख रहे हैं ना ये एक्चुअली में टीवी स्टैंड है। सो मुझे इस जगह के लिए ना एक टेबल चाहिए थी जिस पर मैं लिविंग एरिया को डेकोर करने के लिए कुछ चीज़ें रखूं। तो ये टेबल जब मैंने स्टोर में देखी ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगी, और इस जगह के लिए परफेक्ट भी थी, तो फिर मैंने टीवी स्टैंड ही बाई कर लिया। और इस टेबल पे ना मैंने जितना भी डेकोर रखा है आप लोग देख सकते हैं कि उसमें ना एंटीक लुक आ रही है, जैसे कि रेडियो हो गया, उसके साथ टेलीफोन हो गया, और उसके अलावा मैंने और भी बहुत सी चीज़ें रखी हैं। तो मेरे घर में ना मोस्ट ऑफ़ द डेकोर जो है आप लोगों को उसमें एंटीक लुक ज़रूर नज़र आएगी। और फिर सामने वाली वॉल पर जो है मैंने वुड से लिखा हुआ यासीन वल कुरान अल हकीम लिखा हुआ है ये लगाया है। ये यहाँ पर एक्चुअली एक लोकल आदमी बना रहा था तो ये मैंने उससे बनवाया है।
सो ये हैंडमेड है और बहुत ही खूबसूरत पीस है। और ये मेरी विंडो से बाहर का सारा व्यू। अच्छा, जब ये घर मार्केट में आया था ना और हम पहली बार इसको देखने आए थे, तो उस वक्त हमारे जहन में पहले से ही था कि हम जब भी कभी घर लेंगे, एक तो उसका यार्ड बड़ा होना चाहिए और दूसरा उसका किचन स्पीशियस होना चाहिए। तो उस वक्त स्प्रिंग सीजन था और मेरे हस्बैंड ने और जब मैंने ना विंडो से बाहर का व्यू देखा तो हमें उस वक्त बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो हमें अपने लिविंग एरिया में जो ये फुल साइज़ की विंडो है ना, ये भी बहुत ही उस वक्त अच्छी लगी। सो इस घर को ना बाय करने से पहले हमें इसकी दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। और अब सुबह रोज़ जो है मैं पहले विंडो से बाहर का व्यू एंजॉय करती हूँ और उसके बाद जो है ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। और ये इस तरह से साइड पे मैंने टेबल रखी है, इसके ऊपर मैंने लैंप रखा है और लैंप भी आप लोग देख सकते हैं, इसमें एंटीक लुक आ रही है। और फिर यहाँ साइड पे ना मेरे पास थोड़ी सी स्पेस थी तो उसको कवर करने के लिए मैंने वुड का बेंच रखा और इसके ऊपर जो है मैंने वुडन मिरर लगाया बिल्कुल उसी से मैचिंग। अच्छा, ये वुडन मिरर जो है ये मैंने ऑफ़र अप, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है यूज्ड चीज़ों की, तो ये मैंने वहाँ से लिया है। और ये जो लेडी बेच रही थी ना, वो आई थिंक शी वॉज 80 ईयर्स ओल्ड, और वो मुझे बता रही थी कि ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था और ये सारा जो है हैंडमेड है। और इस मिरर के नीचे ना दो छोटी छोटी क्यूट ड्रॉज भी हैं और इसके विंटेज लुक की वजह से ना ये मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगी, तो फिर मैंने ये बाय कर ली। और ये इस तरह बेंच के साइड पे हमने थोड़े से फ्रेश प्लांट्स रखे हैं, तो मुझे और मेरे हस्बैंड को फ्रेश प्लांट्स घर में बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मोस्टली जो मेरे इनडोर प्लांट्स हैं ना वो फ्रेश ही हैं। और ये साइड पे जो है हमारा सारा डाइनिंग एरिया और टेबल जो है ये मेरी 6 सीटर है, और टेबल की बैक वाली वॉल पे मैंने दो फ्रेम लगाए हैं और साथ में जो है फैब्रिक पे मोतियों से लिखा हुआ आयतुल कुर्सी लगाई है। और अभी जो आप लोग सामने मिरर देख रहे हैं, साइड पे दो कैंडल स्टैंड है, तो ये मेरा हॉलवे है और मेरे बाकी के सारे रूम्स जो हैं वो इधर हैं। सो हॉलवे में इंटर होने से पहले इस तरह मैंने वॉल पे मिरर लगाया है और इसके साइड पे जो है मैंने कैंडल स्टैंड लगाई है, और इसके बिल्कुल सामने जो है मेरे छोटे बेटे का रूम है। सो अभी पहले मैं आप लोगों को अपने छोटे बेटे के रूम में लेके जाती हूँ। तो ये इंटर होने के साथ ही सामने इसकी डेस्क है, चेयर है और कंप्यूटर है, तो ये चूंकि अभी स्टूडेंट है तो अपनी जो स्टडी है वो यहाँ करता है, और इसके अलावा उसको अगर अपने व्लॉग्स के लिए वीडियो एडिट करनी हो तो वो भी यहीं पर करता है। और ये ऊपर आप लोग जो फ्रेम देख रहे हैं ना, ये इसने खुद ही बनाई हुई है, ये पाकिस्तान है और इसके 4 प्रोविंस हैं, तो ये सारा जो है ये इसने खुद ही पेंट किया हुआ है। और ये इसके साथ बड़ी सी विंडो जिससे बाहर का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, स्पेशली जब स्प्रिंग होता है ना तो फिर ये व्यू देखने का होता है। और ये सामने इसका बेड और साथ में साइड टेबल और क्लॉजेट। और मेरे घर में ना मोस्ट ऑफ द क्लॉजेट जो है ना वो मैंने इस तरह मिरर वाली लगाई हुई है, क्योंकि इससे ना रूम जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड लगता है। सो ये सारी क्लॉजेट जो है ये हमने बाद में चेंज की थी। और इसके अलावा इसका सामने मेमोरी बोर्ड जो कि इसने खुद ही DIY किया हुआ है, और इस पे इसने अपनी सारी जितनी भी मेमोरेबल पिक्चर्स हैं वो लगाई हुई हैं, क्योंकि इसका जो है ट्रैवल चैनल है तो जहाँ जहाँ ट्रैवल करता है वो पिक्चर्स वहाँ से लेकर फिर यहाँ पर लगाता है। सो इसके रूम में जो मेमोरी बोर्ड है ना, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये वक्तन फवक्तन इस पे पिक्चर्स भी चेंज करता रहता है। और इस तरह इसके रूम में जितना भी डेकोर है ये इसने खुद ही सारा DIY किया हुआ है। सो इसका भी बस सिंपल सा रूम है, सिंपल सी डेकोर के साथ, जिस तरह यूजुअली बॉयज़ के होते हैं। और ये साथ में हॉलवे में एक बाथरूम है जो कि फुल साइज का है, इसमें टब है, सिंक है, टॉयलेट है, और ये वाला बाथरूम यूजुअली मेरे बच्चे यूज करते हैं। सो अब ये सेकंड बेडरूम है, और ये वाला बेडरूम जो है ये मेरे बड़े बेटे का है, और इसने भी बस सिंपल सा रखा हुआ है, सामने डेस्क है, चेयर है और साथ में उसकी बुक शेल्फ है। चूंकि इसको बुक्स रीडिंग का ज़्यादा शौक है तो फिर इसने बुक्स ज़्यादा रखी हुई हैं, और चूंकि ये जॉब भी करता है तो फिर इसका ज़्यादातर जो ऑफिस वर्क है वो यहीं पर होता है।
और अभी मैं आप लोगों को अपना रूम दिखाती हूँ। तो जो मेरा बेडरूम है ना, वो बहुत ही सिंपल है, और मेरे बेडरूम में जो फर्नीचर है वो फार्म हाउस स्टाइल का है। और इसके अलावा इसमें दो बड़ी विंडोज़ है, तो एक विंडो से जो है बाय रोड का व्यू नज़र आता है और दूसरी विंडो से मेरे यार्ड का व्यू नज़र आता है। और मैंने ना अपने रूम में कुछ ख़ास डेकोर नहीं रखा हुआ, मतलब बहुत ही ज़्यादा मैंने इसको सिंपल रखा हुआ है। बस एक क्लॉक है और इसके सामने जो है एक फ्रेम है। सो मेरे रूम से ये पूरे हॉलवे का व्यू आप लोग देख सकते हैं। और ये जो लेफ्ट साइड पे क्लॉजिट है, इसमें मेरे कपड़े हैं और इसके साथ में जो है हमारा बाथरूम है। सो ये वाला बाथरूम जो है ये फुल साइज़ का है, इसमें सिंक है, टब है, साथ में शावर एरिया है, टॉयलेट है। और ये वाला बाथरूम जो है ये मोस्टली मैं और मेरे हस्बैंड ही यूज़ करते हैं। और इसके ऊपर वाली शेल्फों में हमने ज़्यादातर जो है अपना स्किन केयर प्रोडक्ट्स ही रखे हुए हैं, ताकि सामने रहें, नज़र आएँ और हम इसको यूज़ करें। अच्छा, मेरा जो किचन है ना, वो मेरे फैमिली रूम और डाइनिंग रूम के बिल्कुल ही साथ है। और इसका टूर मैं आप लोगों को एंड में इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये आप लोग मेरी मोस्टली वीडियो में देख चुके हैं, तो मैंने सोचा कि इसको मैं आप लोगों को एंड में दिखाऊं। और अभी रिसेंटली जो मैंने अपनी वीडियो अपलोड की है ना किचन ऑर्गेनाइजेशन की, वो आप लोगों ने जाके ज़रूर देखनी है। और आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया है उस वीडियो पर। सो ये मेरा किचन है, मैंने इसको बिल्कुल ही सारा प्लेन डिक्लटर फ्री रखा हुआ है। सामने इसकी शेल्फ है, इसमें मैंने अपना जो है सैंडविच ग्रिल मेकर रखा हुआ है। सो जो मेरे डेली यूज़ के अप्लाइंसेज हैं, मैंने सिर्फ वही रखे हुए हैं। और जो बाकी के अप्लाइंसेज हैं, वो मैंने अपने लॉन्ड्री में रखे हुए हैं, और वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये जो सामने आप लोग डोर देख रहे हैं, मेरा हाफ घर जो है वो उस साइड पे है, तो उस साइड पे भी मेरा एक बहुत ही बड़ा फैमिली रूम है, बेडरूम है, और साथ में एक फुल बाथरूम है। तो वो वाला एरिया जो है वो मैं अपने बिजनेस के लिए यूज़ करती हूँ, तो उसका टूर जो है वो मैं आप लोगों को फिर कभी दूंगी। और इस तरह जो मेरे बिल्ली का वाटर फाउंटेन है और उसका फूड आइटम है, वो भी मैंने किचन में रखा हुआ है, ताकि सामने रहें, नज़र आएँ, क्योंकि मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो किचन में ही स्पेंड होता है। तो फिर मुझे यहीं से मैं देख सकती हूँ कि कब उसको क्या चीज़ चाहिए, तो फिर मैं उसकी रिफ़िल कर देती हूँ। और उसके अलावा किचन में ही जो है मैंने एक छोटी सी टेबल, साथ में दो कुर्सियाँ भी रखी हुई हैं। तो यहाँ पे भी मैं मोस्ट ऑफ द टाइम बैठ के अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, या अगर मुझे सुबह पानी वगैरह पीना हो तो मैं यहीं पे बैठ के पीती हूँ। और इसी तरह जो दूसरा डोर है, ये मेरी लॉन्ड्री का है, जो कि मेरे किचन से जाता है। तो ये भी मैं आप लोगों को आज अपनी लॉन्ड्री भी दिखा देती हूँ। तो मेरी लॉन्ड्री जो है वो कुछ ज़्यादा सेट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर्स आज करूँगी, क्योंकि मैं अपना होम टूर दे रही हूँ। सो ये मेरा वॉशर है, साथ में ड्रायर है, और ये दोनों सैमसंग ब्रांड के हैं। और उसके अलावा ये जो सामने वाला डोर है, ये बायर यार्ड को जाता है। और उसके अलावा मैंने इसकी साइड पे एक एक्स्ट्रा फ्रिज भी रखा हुआ है, क्योंकि मेरे जो किचन है ना, उसमें फ्रिज बहुत छोटा है। तो फिर मैंने दूसरा फ्रिज जो है वो मैंने अपनी लॉन्ड्री में रख लिया। उसके अलावा जो है ये सामने आप लोग मेरा ग्राइंडर देख सकते हैं, साथ में एयर फ्रायर है और साथ में डीप फ्रायर है। तो ये सारी चीज़ें वो है जो कि मैं बहुत बेयरली यूज़ करती हूँ, तो फिर इसीलिए इसको मैंने यहाँ रख दिया है। और उसके अलावा यहाँ पर सारा मेरा क्लीनिंग स्टफ, मेरा कारपेट क्लीनर, मेरा वैक्यूम, और जो मेरे बिल्ली का लेटर है वो भी मेरी लॉन्ड्री में ही है। सो आई होप कि आप लोगों को मेरे होम टूर की वीडियो अच्छी लगी होगी। और बस अब आप लोगों ने इसको लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।